आज दिनांक 5 सितंबर 2022 को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन कलाम सेंटर में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अर्चना शुक्ला, निदेशक IIM लखनऊ व गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर चंद्रावती, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष गायनकोलॉजी के GMO रही। इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रोफेसर अर्चना शुक्ला, निदेशक IIM लखनऊ द्वारा अपने संबोधन में KGMU को देश का महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान बताते हुए कोविड में KGMU के रोल की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षक को सदैव एक उत्प्रेरक की भूमिका निभानी होती है, जिससे कि वो विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने हेतु जागरूक कर सके। इस अवसर पर चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उल्लेख करते हुए बताया कि शिक्षण एक पेशा ना होकर एक उद्देश्य है। इसमें अनुभव सदैव काम आता है और हमेशा एक अच्छे शिक्षक के रूप में उभर के सामने आए। इस अवसर पर प्रोफेसर AK त्रिपाठी, डीन एकेडमिक, ने कहा कि शिक्षक हमें शिक्षा से तो बेहतर बनाते ही हैं, साथ ही हमारे ज्ञान और विश्वास के स्तर को बढ़ाकर नैतिक रूप से भी हमें अच्छा बनाते हैं। जीवन में अच्छा करने के लिए हमें हर असंभव कार्य को संभव करने की प्रेरणा देते हैं। उक्त समारोह में बेस्ट टीचर अवार्ड प्रोफेसर RK दीक्षित, डॉक्टर निशांत वर्मा व डॉक्टर नीरज मिश्र, डॉक्टर फहाद डेंटल साइंस अवार्ड तथा यंग टीचर अवार्ड डॉक्टर R चंदानी, डॉक्टर कुशाग्र गौरव व पैरा मेडिकल साइंसेज अवार्ड तनिमा वर्मा व अनुग्रह को दिया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर जमाल मसूद व प्रोफेसर आशा अवस्थी को मोमेंटो व शाल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इंडोक्राइन सर्जरी के डॉक्टर आनंद मिश्र की किताब का विमोचन भी किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में प्रति कुलपति प्रोफेसर विनोद शर्मा समेत समस्त चिकित्सा शिक्षक सेवा निवृत्त शिक्षक डीन छात्र छात्राएं व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। CCTV 24 न्यूज चैनल के उप संपादक ऑल इंडिया सुनील चौरसिया की खास रिपोर्ट।